नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की 10वीं राशि पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन जो है ये चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 10 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मकर है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मकर राशि में है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मकर राशि में है तो ये प्रिडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह के ट्रांजिट से। शनि ग्रह का प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आपके राशि के अधिपति हैं जो आपकी राशि के अंदर ही चल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि मेंटल स्ट्रेंथ तो मजबूत होगा, आपकी मनोस्थिति मजबूत होगी, लेकिन जो दृष्टि होती है वो शनि की शुभ नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके ब्रदर सिस्टर्स रिलेशन में तनाव आने की संभावना रहेगी। सामने दृष्टि होगी आपके पार्टनर के स्थान के अंदर, जिसके कारण आपके पार्टनर के साथ, यदि आप विवाहित हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना एडवाइजेबल नहीं होगा। ये दो जो शनि का मकर का ट्रांजिट है, ये समय के अंदर पार्टनरशिप में काम करना, कुछ भी काम करना एडवाइजेबल नहीं होगा। और 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान के अंदर होगी, जिसके कारण बिजनेस में करियर में धीमी गति से प्रोग्रेस होगा। धीमी गति से प्रोग्रेस होगा। तो जॉब करने वाले जातकों को थोड़ा सा अपर लेवल से स्ट्रेस टेंशन भी मिलने की संभावना है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान में होगी। फादर के साथ भी रिलेशन में तनाव आने की संभावना है। इसके साथ साथ मदर इन लॉ के साथ भी थोड़ा तनाव आ सकता है रिलेशन में, क्योंकि जो आपके 10वें स्थान में दृष्टि है ये आपके मदर इन लॉ को इंडिकेट करती है। और आपके फादर हैं और शादी के बाद आपके मदर इन लॉ है, ये 10वें स्थान से देखे जाते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। ये सब जगह पे केयर करना होगा। और बात करेंगे अब ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट से। तो सूर्य ग्रह का फल आपके लिए क्या कहता है, सूर्य 16 अगस्त तक आपकी राशि से 6वें स्थान के अंदर है, जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। सूर्य ग्रह आपके गवर्नमेंट से बेनिफिट करवा सकते हैं। सूर्य आपके हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, तो सूर्य के कारण आपके यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति में वृद्धि होगी। 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे सिंह राशि के अंदर। शाम को 7:42 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, तो 16 अगस्त को सूर्य क्रांति का जो फल होगा, सूर्य उसको पुण्यकाल बोलते हैं, संक्रांति का पुण्यकाल, इसको सिंह संक्रांति बोलेंगे। सिंह राशि में सूर्य जाएंगे तो संक्रांति का जो पुण्यकाल रहेगा 16 तारीख को दोपहर में 12:30 से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगा। इसमें आपको खास करके दान पुण्य मंत्र करना है, जितना भी आप कर सकते हो दान पुण्य मंत्र मैक्सिमम 16 तारीख को दोपहर से लेकर सूर्य अस्त तक करें, जिसका आपको शुभ फल मिलेगा। और ये 16 अगस्त के बाद जो है ये सूर्य और शनि दोनों आमने सामने आ जाएंगे। आपकी राशि के अंदर शनि है, सामने सूर्य चलेंगे, तो आने वाला जो महीना होगा 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय होगा, इसमें आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आपको कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर है, इनको भी अपने बयान के अंदर वक्तव्य में कंट्रोवर्सी पब्लिक लाइफ में क्रिएट ना हो जाए, उसका खास केयर करना होगा। और 16 अगस्त के बाद जो सूर्य चलेंगे सप्तम स्थान में, ये बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप है तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब जगह पे केयर करना है। विवाहित जातकों को भी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। क्यों? क्योंकि 16 अगस्त को एक ट्रांजिट और हो रही है, मंगल आपके मीन राशि में जो पराक्रम स्थान में चल रहे थे,
ये चल रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, ये चल बदल जाएंगे, उसमें चलेंगे मेष राशि के अंदर, राशि से चौथे स्थान के अंदर। तो चौथा स्थान जो है वो छाती का स्थान है, तो यहाँ पर मंगल का फल शुभ नहीं होगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके चौथे स्थान के अंदर पड़ेगी, चौथे मंगल के चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान में पड़ेगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन के अंदर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको भारी तनाव क्रिएट हो सकता है। ये तीनों तीन उग्र ग्रहों की जो इफेक्ट होगी, शनि की सीधी दृष्टि, सूर्य वहां पर बैठे हैं, वो 16 अगस्त को मंगल परिवर्तन करके दृष्टि करेंगे, मंगल अंगारक योग क्रिएट करेंगे, शनि अंगारक योग क्रिएट करेंगे सेवंथ हाउस के अंदर, सूर्य शनि का अशुभ योग होगा। तो इसके इफेक्ट के अंदर आपका दाम्पत्य जीवन है ये जल सकता है, फायर में आ सकता है, फायरिंग इफेक्ट में आ सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी राशि मकर है या तो आपके पार्टनर की राशि मकर है, तो रिलेशनशिप में आप बहुत केयर करें, अन्यथा ट्रेमेंडस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मंगल जो कि 16 तारीख तक आपके पराक्रम संवत मीन राशि में चलने वाले हैं, ये आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। साहस भुवन में तीसरे स्थान के अंदर मंगल जो है पराक्रम स्थान में, पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे और कुछ ना कुछ नया साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, ब्रदर सिस्टर से लाभ रहेगा, मकान जमीन एस्टेट इत्यादि के कारण कुछ लाभ मिल सकता है, और यात्रा प्रवास में थोड़ा डिस्टर्बेंस आने की संभावना रहेगी क्योंकि भाग्य स्थान में दृष्टि होगी मंगल की, और फादर के साथ रिलेशन में थोड़ा तनाव आ सकता है, जॉब में अपर लेवल में तनाव आ सकता है, तो ये सब जगह पे केयर करना होगा। लेकिन मंगल जब जो पराक्रम स्थान में है 16 अगस्त तक, ये आपके लिए बहुत शुभ है। इसके बाद भी मंगल है स्वग्रही, चौथे स्थान के अंदर मंगल अपनी राशि के अंदर चलेंगे, लेकिन जो प्रथम नक्षत्र अश्विनी है ये केतु का नक्षत्र है, जिसके कारण अतृप्ति वाली भावना क्रिएट करेंगे, अनसेटिस्फाइड सिचुएशन, क्योंकि चौथा स्थान जो है ये सुख स्थान है, सुख स्थान के अंदर मंगल का जो फल है ये सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे। सुख की अनुभूति मात्र पैसे से नहीं होती है, फाइनेंस, यदि आपके पास पैसा बहुत है तो आपको सुख की अनुभूति हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब जब भी कोई भी ग्रह चौथे स्थान में से, कोई भी उग्र ग्रह जो है ये चौथे स्थान में से जब जाता है तो ये दुख का अनुभव करवाते हैं, माता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मकान जमीन वाहन वाहन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। मंगल चौथे स्थान चौथी दृष्टि अपने सप्तम स्थान में करेंगे तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपके कोई ऐसे कारण के, वक्तव्य के कारण, बयान के कारण आपका कुछ घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि 17 अगस्त को जो बुध है ये भी राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपके अष्टम स्थान में। सिंह राशि में चलने वाले बुध 17 अगस्त के बाद आपके लिए शुभ नहीं होंगे, क्योंकि जो बुध है आपके लिए अष्टम स्थान के अंदर चलेंगे, आठवें स्थान में बुध होने के कारण ऐसा कहते हैं कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलेगी। जो कोई भी जातक कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, शेयर बाजार का काम कर रहे हैं, और कुछ भी प्रकार का कोई भी कंसल्टिंग के प्रकार के काम के का साथ जुड़े हुए हैं, इनको 17 अगस्त के बाद अपने कारोबार के अंदर विशेष ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में कोई भी ना कार्य ना करें, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। 16 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन में भी केयर करना होगा, और खास करके कम्युनिकेशन में आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ, आपको अपने इन लॉज के साथ, आपके मैटरनल साइड के साथ, ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा, पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा, फाइनेंशियल मैटर में केयर करना होगा। तो गुरु ग्रह का भ्रमण क्या है? गुरु जो राशि के सबसे ट्रांजिट में बड़े, सबसे बड़े ग्रह जो हैं ग्रह मंडल में, हमारे लिए जो पृथ्वी से नजदीक हैं, जो हमके हमारे ऊपर जो असर करने वाले ग्रह हैं, वैसे तो आकाश में जितने भी तारे दिख रहे हैं ये सब ग्रह हैं, ये सब ग्रह हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी से जो नजदीक है, हमारे
ये सात ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि और राहु केतु जो कि छाया ग्रह है, जो वास्तव में ग्रह नहीं है लेकिन इनका इफेक्ट बहुत पावरफुल इफेक्ट है जिसके कारण हम इसको प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। तो गुरु जो सबसे बड़े ग्रह हैं, गुरु का इफेक्ट क्या होगा? गुरु राशि से 12वें स्थान के अंदर धनु राशि के अंदर चल रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो गुरु जो कि आपके चौथे स्थान के अंदर दृष्टि करेंगे, जिसके कारण मंगल भले आपके चौथे स्थान के अंदर आ रहे हैं 16 अगस्त को, लेकिन गुरु की दृष्टि में चलेंगे जिसके कारण थोड़ा सा मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होगा। और दूसरा, जो मंगल दृष्टि करेंगे छठवें स्थान में शुक्र और राहु के ऊपर, जिसके कारण ये लव मैटर में सक्सेस लेने वाले बनेंगे, और गुरु की जो दृष्टि आयुष्य भाव में होगी जो आपके आयुष्य बलवान करेंगे। 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे अष्टम स्थान के अंदर, लेकिन बाय द गॉड ऑफ ब्लेसिंग, गॉड ब्लेसिंग के कारण इस टाइम पे 2020 में आपका बचाव हो रहा है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम स्थान में सूर्य के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, जिसके कारण सूर्य का इतना नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, फिर भी केयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आखिर सूर्य है, एकदम पावरफुल ग्रह जो है, हमारे सबसे जो ग्रह मंडल के राजा हैं, वो उसका जो तेज है उसके सामने तो कोई भी ग्रह का इतना तेज काम नहीं कर सकता है। इसलिए 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर का तक का जो समय है, ये पारिवारिक मामलों में, अपने हेल्थ के बारे में, रिलेशन विद फादर, रिलेशन विद गवर्नमेंट मैटर, ये सब जगह पे केयर करना होगा। 1 महीने का जो समय है आपको एकदम शांति से पास करना है, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर, बस फिर तो आपकी चांदी चांदी है। 16 सितंबर के बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाली 1 महीना आप केयर कर लें, उसके बाद ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके कोई मित्र है मकर राशि वाले, या जिनका भी आपके कोई मित्र है जिनका जन्म हुआ है 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में, इनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो, और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए, ऐसा लिख के, एज सून एज हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो अब जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, समग्र विश्व मानव कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।